हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल फैसला करेगा सेंसर बोर्ड OMG 2 का। मतलब कल आपको क्लियर क्लियर हो जाएगा कि इस मूवी को आगे क्या रेटिंग मिलने वाली है सेंसर बोर्ड की तरफ से, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने दोबारा इस फाइल को खोला है और मेकर्स के जो कि कोशिश करते चलते, मतलब मेकर्स भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब सेंसर बोर्ड अपना फैसला बदल ले। अब दोस्तों, दोबारा से क्या बातचीत हुई है मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच, तो बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट और करें ताकि मुझे भाई दिल से अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करता हूं मैं सबसे पहले इसके सर्टिफिकेट के बारे में, मतलब इसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। दोस्तों, अभी तक इस मूवी को, अभी सुनने में यह आ रहा था कि भाई इस मूवी को सर्टिफिकेट मिला है ए सर्टिफिकेट, जो कि सेंसर बोर्ड ने दिया है। लेकिन मेकर्स को भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेकर्स भी चाहते हैं कि इसको सभी ही उम्र के बच्चे देखें, क्योंकि ये एक सेक्स एजुकेशन के ऊपर मूवी बनी हुई है, जो कि एक स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा आधारित है। और मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से सेक्स मतलब मेकर्स ने इस फिल्म में ये दिखाया है कि स्कूलों में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि सेक्स एजुकेशन का हो, जिसमें बच्चों को पता हो कि भाई क्या से क्या होता है और किस चीज़ से क्या हो सकता है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं, एक मूवी आई थी अभी रकुल प्रीत की, इसमें छतरी वाली उस मूवी का नाम था, तो उस मूवी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ डाली थी। मतलब उस मूवी के अंदर भी यही दिखाया था कि स्कूलों के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में लोग, बच्चों को हम लोग बता सकें कि कैसे क्या होता है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक छोटे पैमाने पे मूवी थी, लेकिन उसी छोटे पैमाने को इन लोगों ने एक बड़े पैमाने पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें अब सेंसर बोर्ड भी कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं, घबरा रहे हैं। हालांकि मतलब इस सेंसर बोर्ड भी चाहता है कि इस मूवी को UA का सर्टिफिकेट मिले, लेकिन अब जो UA का सर्टिफिकेट तो सेंसर बोर्ड दे देगा, लेकिन उसमें से भी कुछ एक एज का पंगा है। दोस्तों, उस एज के पंगे का भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, UA के सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने 3 बना रखे हैं, मतलब एक तो UA 7+, UA 13+, UA 16+। तो अब दोस्तों, सेंसर बोर्ड तो इस मूवी को UA का सर्टिफिकेट दे रहा है, लेकिन वो इन तीनों में से 13+ का सर्टिफिकेट देना चाह रहा है, क्योंकि बस वो यही चाह रहा है कि इस मूवी को 13 से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, मतलब 13 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो ही देखें, 13 से कम के ना देखें, क्योंकि जिस हिसाब की मूवी इन लोगों ने बनाई है वो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड यही सोच रहे हैं कि यार नीचे के, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमागी, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा असर ना पहुँचे, वो लोग कहीं बिगड़ ना पाए। तो कुछ ये स्ट्रेटेजी चल रही है सेंसर बोर्ड और मेकर्स के बीच। हालांकि मेकर्स भी चाहते हैं कि सभी लोग देखें हमारी मूवी, और सेंसर बोर्ड भी चाहता है हम सभी लोग ही देखें, लेकिन भाई वो भी मजबूर है क्योंकि कुछ चीज़ ही ऐसी आ गई है। अब देखते हैं दोस्तों कल क्या फैसला होगा इस मूवी का, सेंसर बोर्ड अपना कौन सा सर्टिफिकेट देती है, UA या यू या ए। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। भाई वीडियो आपको नॉलेज वाली लगी हो तो आप एक कमेंट ज़रूर छोड़ दें, मुझे दिल से अच्छा लग गया। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।